जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन पर थोड़ा सा प्रेशर डाला मुश्किल होता है नया बॉल खेलना और सब जब फील्डर आपके ऊपर सारे शॉर्ट लेग्स पे खड़े होते हैं तो काफ़ी आप पे प्रेशर आता है लेकिन मेरे ख्याल से नसीम और अबरान ने काफ़ी अच्छा खेला और जहाँ तक आप रही सरफराज की बात बिल्कुल सैफी भाई ने जिस तरह कम बैक किया और परफॉर्म किया और मैच को निकाला मेरे ख्याल से जिस तरह हमारे सौ पे चार आउट हो गए थे उसके बाद जो सऊद और सैफी भाई की पार्टनरशिप लगी वो मैच में हमें वापस लाई और जिस तरह उन्होंने फिनिश किया बिल्कुल चार साल बाद आए और का ड्रीम कम हुआ और उस दौरान जितने भी आ, वो थे वो अपने राइड का वेट कर रहे थे और जब अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अवेल की और उनका बिलीव था और बिलीव उनका हमेशा ऊपर ही रहा Uh, सरपरा uh, बाबर सॉरी जब ये आखिर में जब uh, बहुत टेंस लम्हा थे तो क्या समझते हैं जो इंस्ट्रक्शन थी वो सेम यही थी कि मतलब जीत के लिए जाना कि बहुत करीब आ गए थे लेकिन इतना लाइट फैक्टर भी था और फिर बिकटे जिस तरह गिरी तो वो क्लोज आपकी उस वक्त क्या इंस्ट्रक्शन थी या एक टीम प्लान था और दूसरा uh, सरपरा बाबर सॉरी कि जो uh, माफ़ कीजिएगा क्योंकि भी उनकी प्रेस वापस हुई लेग साइड डिफ्लेक्शन जो है और जो हमारे डिसमेस हैं जैसे साउथ का आउट हुआ आपका आउट हुआ कभी कभी फैंस भी इसको ना थोड़ा करते हैं ये हार्ड लग हो गई लेकिन आप समझते हैं जो सही सॉफ्ट डिसमिसल कह लें या शायद इस पर कोई एडजस्टमेंट हो जाती है थोड़ी सी ऐसा लगा जैसे लेग साइड इज ओवर द टेस्ट मैचेस हमारी आपकी भी है जैसे हुई इससे थोड़ा सा हम कहीं कहीं जगह पर ना लेट डाउन हो गए इस तरह से पूरी एज अ टीम बात कर रहा हूँ जो डिसमिसर का मोड रहा आप डिसंट हुए इससे थोड़ा डेफिनेटली uh, uh, कोशिश यही होती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें और जहाँ तक रही बात चेस की बिल्कुल हमने टी के बाद यही प्लान किया था कि हम जाएंगे और उसमें आपको चांस लेने पड़ते हैं और उसमें आपको और मेरे ख्याल से उस दौरान फोर एंड हाफ़ की आपको रन रेड चाहिए था और उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सीगलेट करना पड़ता है और थोड़े सा चांस लेना पड़ता है तो उसमें आप आउट भी हो सकते हैं और उसमें ही होता कि अगर ओपोजिट निकल ओपोजिट चल जाता मैच तो फिर आप यहाँ पर सवाल कुछ और कर रहे होते और देखें इस प्लानिंग के साथ चलते हैं कि क्या आप उस दौरान उस सिचुएशन में क्या आप कर सकते हैं क्योंकि उस दौरान हमें लगा कि हम जा सकते हैं लेकिन उनको भी लगा कि ये अब जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव हुए उन्होंने थोड़ी सी फील्ड खोली हमने चांस लिया हमने उस, उस फील्ड में भी हमने चांस लिए लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट खेलना पड़ता है थोड़ी सी तो उसमें आगा आउट हुआ और उसके बाद फिर आ, टेल हमारी शुरू हुई तो फिर हम थोड़ा सा हमने देखा कि हम थोड़ा सा भी इसको और लंबा लेके जाएँ लेट्स सी क्योंकि सैफी भाई खेल रहे थे उस सिचुएशन में उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि कहाँ पे गेम जा सकती है तो मैसेज अपना किन में आ, अंदर भेजा था तो कोशिश यही थी कि हम चेस की तरफ जाएंगे लेकिन बहुत मैं जावेद इकबाल हूँ ट्वेंटी फोर न्यूज़ से मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग आपके नाक़दीन कह रहे हैं कि अब आपकी टीम पे ग्रिप्स बड़ी कमज़ोर होती जा रही है आपका क्योंकि कुछ दोस्ती यारी का जो सिलसिला था कुछ ख़त्म होता जा रहा है पाकिस्तान टीम में कौन सी दोस्ती जब से शायद आप टीम में आए तो पहले उन्होंने एक विकेट उड़ाई है वाइस कैप्टन को यानी अब नया आ गया है शान मसूद वनडे का उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि अब टेस्ट की भी कप्तानी आपसे जल्द छीनने जाने वाली है तो इस बारे में क्या कहेंगे आप सर ये आपको पता होगा किसकी तो कप्तानी किसके पास जा रही मुझे नहीं सी चीज़ का है मेरा काम है अंदर परफॉर्म करना और टीम से परफॉर्मेंस लेना बाबर आप बाबर ये थोड़ा सा जाहिर है मुश्किल टेस्ट सीजन रहा है अभी भी ऑस्ट्रेलिया भी, भी इंग्लैंड टीम्स भी मुश्किल आई हैं लेकिन पाकिस्तान ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा तो मैं ये अब पाकिस्तान को यू से पाकिस्तान आए दो तीन साल हो गए दो तीन सीजन भी यहाँ गुजार रही आपने उनमें काफ़ी खेला भी है आपको कोई आइडिया समझ आ रही है कि पाकिस्तान किस किस्म का होम टेम्पलेट सेट करना चाहती है कि क्या बॉलिंग है या फिर किस किस्म के ट्रैक्स हैं जो पाकिस्तान को बेस्ट चांस देता है होम पे टेस्ट मैचेस कंसिस्टेंटली जीतने के लिए डेफिनेटली सीज़न हमारा वैसा नहीं गया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसे हम क्रिकेट खेलते आ रहे थे एक्सक्यूज़ नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्लेयर्स अनफिट हुए जिसकी वजह से हम आ, थोड़ा सा हमारा जो कम्बिनेशन है था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और आ, दूसरी रही बात आपकी कंडीशन की देखें हर मेन्यू का डिफरेंट कंडीशन है उस हिसाब से आप उसको ले चलते हैं आ, अपना इनपुट देते हैं आपके हमें किस तरह की पिच्चे चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है हम उसको लेके चलते हैं और कोशिश यही होती है कि उसको ये है कि आपको विकटे तो मिल पिछे मिल जाती हैं एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं प्लान से और आपको परफॉर्म करना पड़ता है ये नहीं कि पिच की वजह से हम मैच हार गए या पिच की वजह से मैच हम जीत गए उसके लिए आपको पूरा पाँच दिन पेशेंस दिखानी पड़ती है आपको लंबी इनिंग खेलनी पड़ती है लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है तो ये सारी चीज़ें आपको ले चलनी पड़ती हैं स्ट्रेंथ आप बिल्कुल देखते हैं आपकी उस दौरान क्या स्ट्रेंथ थी और हम उसी पर गए थे लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं आए सर हम सेटिस्फाई हर सर्विस के खेलने के लिए बाबर एक क्रिकेटर्स के बारे में एक राय है कि भाई लीड क्लास के ये लोग होते हैं फाइव स्टार होटलों में रहते हैं फाइव स्टार लग्जरी इंजॉय करते हैं लेकिन फिर जब क्रिटिसिज्म हो रही होती है तो जिस तरह आप पाकिस्तान के कप्तान हैं और ये चूँकि अच्छा टेस्ट सीरीज़ हमारी तीनों टेस्ट सीरीज़ खराब गई चले न्यूजीलैंड से तो हमने तो ड्रॉ कर ली तो ये जब इस किस्म की सूरत आती है तो ये क्रिटिसिज्म जब चल रही होती है तो एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन आपके क्या जज्बात होते हैं, क्या फील कर रहे होते देखिए ये चीज़ें जो चलती रहती हैं ये लाइफ का हिस्सा और आपको इसमें रह के अपने आप को बूस्टअप करना पड़ता है और एज ए टीम और एज ए कप्तान मैं कोशिश करता हूँ ये चीज़ें जितनी ग्रुप से और टीम से दूर रखी जाए वो अच्छा क्योंकि आ, हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें बिल्कुल मिस्टेक होती हैं अप एंड डाउन चीज़ें लाइफ में चलती हैं हाँ ये है कि हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से जि, जितना हम सीखें गलतियों से उतना हमारे लिए अच्छा है हर एक की अपनी ओपिनियन होती है हर एक का अपना आ, बोलने का मकसद होता है लेकिन हमारा जो काम है परफॉर्म करना और परफॉर्म हम कोशिश करते हैं कि करते रहें बाबर बार बार हम ये कहते हैं और कि वाइट बॉल की हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है लेकिन रेड बॉल में हम खराब हो रहे हैं तो क्या हमें करना पड़ेगा क्या हमें अपने बॉलर्स या कुछ प्लेयर्स रेड बॉल के लिए बिल्कुल अलग मखसूस करने पड़ेंगे देखें ये प्लानिंग होती है ये नहीं कि आप एक टीम बना लें और उसे कहें जी एकदम आप साइड पे कर लें हर चीज़ को टाइम लगता है टीम बनने में भी टाइम लगता है और ये ऐसी चीज़ें करने में भी आपको टाइम लगता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलती हैं जिस तरह हमारी टीम ऑलमोस्ट टेस्ट मैच की काफ़ी अच्छी थी लेकिन सडनली क्या हुआ कि इंजरीज़ हुई हमारी टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई आ, प्लेस की परफॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो हमारे तो चेंज की वजह से थोड़ी सी हमारी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं है लेकिन हमने कोशिश की है कि हम बेस्ट कर पाएँ बेस्ट दें और बेस्ट करने की कोशिश करें और मैचेस जीतें लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ फ्यूचर में देखेंगे कि ये चीज़ हो, होनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट इतनी हो गई है कि आपको हर फॉर्मेट के लिए आपको खेलना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फिट होना पड़ेगा अच्छा बाबर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दोनों दोनों टेस्ट मैचेस में अगर हम सेशन बाई सेशन देखें जहां उनको मौका मिला उन्होंने जारहाना रवैया अपनाया लेकिन पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस सीरीज में हमने देखा कि वो दिफाई हमत अमली इख्तियार करता रहा इसकी क्या वजह वजह कुछ नहीं है देखें जब आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप थोड़ा सा आ, देखते हैं कि नए बैट्समैन के लिए जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ती है और आ, आज भी हुआ कि हमारे दो सेट बैट्समैन जब आउट हुए तो उसके बाद हमारी टेल थी और टेल हमारी वैसी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो इसी इसी वजह से लेकिन हमारा जो प्लान यही था कि हमने चेस के लिए जाना है आ, बाबर जब हसन अली बैटिंग के लिए गए तो उन्होंने जाराना अंदाज़ भी अपनाया और ऐसा लगा कि शायद आपकी हिदायत है कि मैच को फिनिश करना और जीतना है ऐसे लेकिन उस शॉट के बाद बार बार बाहर से हिदायत जा रही थी और उसके बाद पांच डॉट बॉल हसन अली ने खेले तो क्या कोई हिदायत गई थी कि इसको स्लो कर लो मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है एक तो ये और दूसरा ये कि नसीम शाह और अब्रार को कितना क्रेडिट देंगे नो no डाउट कि सरफराज को तो सारा क्रेडिट जाता है लेकिन जिस प्रेशर में इन दोनों टैलेंटेड ने बैटिंग की और जिस तरीके से फील्डिंग ली गई थी तो इन दोनों को कितना क्रेडिट देंगे देखें प्लान uh, यही था जब हसन अली गया था तो उसको थोड़ा सा ये प्लान दिया गया था कि सैफी भाई के साथ जितना आप डीप जा सकते हैं जाएं सिचुएशन देखें वहाँ पे भी अगर वो शॉट मार के जिसना आउट हुए हैं तो फिर प्रेशर आप पे फिर आता है अ, लेकिन ये दूसरी तरफ भी जा सकता था अ, लेकिन उसी नेक्स्ट ओवर में नया बॉल आ गया तो मैंने उसको यही कहा था कि एक आधा ओवर देख लो उसके बाद जो आपकी गेम है उसको आप कंटिन्यू करो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ, वो दूसरे बॉल पे आउट हो गए डेफिनेटली आ, नसीम और बरार को काफ़ी क्रेडिट देना चाहता हूँ जिस तरह वो चार मैं मेरे ख्याल से चार ओवर खेले हैं और आ, मुश्किल होता है देखें ये जब आपके ऊपर सारे फील्डर्स चढ़े पूरी की टीम आपके ऊपर चढ़ी और रोकना भी आपको एक अजाब लगता है लेकिन जिस तरह उन्होंने दिलेरी दिखाई क्रेडिट देना चाहता हूँ दोनों को Uh, बाबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ हार गया देन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक बॉल का गेम रह गया था मेरे ख्याल है एज ए स्कीपर आपने जिस तरीके से पूरा आखिरी का सेशन देखा होगा पूरी कॉम ने देखा पाकिस्तान जाहिर मुश्किल में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में क्या कुछ लर्न किया आपने एज ए स्कीपर इन तीनों सीरीज़ के दौरान में ख़ासतौर पे और जो हमने देखा बाकी टीमों की थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई थी जिसमें हम लैग कर रहे हैं थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट के लिहाज से तो एज पर आप भी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को नहीं देखें ऐसी आ, कोई वो चीज़ नहीं है कि देखें मैंने आ, पहले भी बात की सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं हर टीम का खेलने का तरीका और वे डिफरेंट है आ, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट हो गई है आपको हैं आपको और बढ़ानी पड़ती हैं लेकिन उस चीज़ को टाइम लगता है आ, और दूसरा ये कि आपको आ, फिर चांस देने पड़ेंगे क्योंकि आप आ, एक या दो मैचेस के बाद अगर हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप कह रहे आप कहेंगे कि डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे हैं? और जब हम फास्ट खेलते हैं तो आप कह रहे हैं डिफेंस फास्ट क्यों खेल रहे हैं तो ये चीज़ें चलती रहेंगी एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए अब फिर आपको पूरा साल देना पड़ेगा और मैचेस देने पड़ेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए रिलीव नहीं चांस लिया था और चीज़ें हमारे हाथ में थी और कोशिश यही थी हमारी कि हम जीतने की तरफ जाएं लेकिन ये ये, ये नहीं है कि इसमें रिलीव और वो चीज़ थी हम हेड हेड थे मैच में अगर ड्रा करने जाते तो चा, चा, शायद शायद और डिफेंसिव हो जाता लेकिन हमारा प्लान यही था कि अब जाके एग्जीक्यूट करना बाबर आपने बड़ी लंबी क्रिकेट खेली है जहरी बात है आप पाकिस्तान के कप्तान भी है लेकिन ये जो ड्रॉ टेस्ट है इसको आप कहाँ रेट करते हैं हमने अपनी तारीख में इतना थ्रिलिंग डॉर नहीं देखा लोग इतने एक्साइटिंग थे और दिल की हरकतें आपकी कहाँ थी टीम की कहाँ थी और आपको क्या रिपोर्ट है इसके बाद डेफिनेटली देखें ये इसीलिए कहते हैं टेस्ट ये टेस्ट मैच की खूबसूरती यही है आ, कभी आ, एक सेशन में आप आ, गेम उधर निकल जाता है दूसरी टीम की तरफ कभी आपकी तरफ आता है इसमें आज वाले सिनेरियो में ये था कि एक विकेट पे उनके पास जा रहा था मैच और जब पार्टनरशिप लगती थी तो लगता था कि यार अब जीत सकते हैं तो बिल्कुल इन एंड आउट चीज़ें चल रही थी आ, लेकिन आ, ड्रेसिंग रूम का माहौल यही था कि डिफरेंट हो सकता है आ, यू नेवर नो आ, लेकिन बिलीव यही था कि हम कर सकते हैं और हम गए भी लेकिन आ, जब लास्ट टेल चली तो हम कोशिश उनका यही था कि जितना स्टे करें उधर जितना वो ओवर्स खेलें उतना अच्छा क्योंकि एक आध दो आवर की गेम थी उसके बाद तो ला, लाइट का वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया था Thank you.